जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। हमारा आज का एपिसोड है एक ऐसे रिलायबल फायर पावर के बारे में जो भारत की स्पेशल फोर्सेस की एक अलग ही पहचान बन गई है, और इस रिलायबल फायर पावर का नाम है टैबोर। जी हाँ, जो कि भारत की स्पेशल फोर्सेज को इश्यू की जाने वाली एक स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल है। तो आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि इतने साल बीत जाने के बाद भी क्या ये टैबोर असॉल्ट राइफल अभी भी स्पेशल फोर्सेज के लिए वर्थ इट है, या फिर इसको भी अब रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है। और यकीन मानिए, आज के एपिसोड से आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करिए। और चलिए शुरू करते हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि इस एपिसोड में हम आपको जो भी जानकारी देने वाले हैं तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑलरेडी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com पर पब्लिश हो चुके हैं। तो अगर आपको जानकारी लिखित में चाहिए तो आप उन आर्टिकल्स को कंसीडर कर सकते हैं, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, और सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में इस टैबोर असॉल्ट राइफल की इंडक्शन की शुरुआत कैसे हुई। तो बात कुछ ऐसी है कि 90 से पहले भारत की जो स्पेशल फोर्सेस थी वो कई अलग अलग वैरायटी के फायरआर्म्स का इस्तेमाल करती थी, जैसे कि SLR बैटल राइफल्स, स्टेयर ऑग, स्टर्लिंग कार्बाइंस और ऐसी बाकी की राइफल्स। और फिर कुछ टाइम बाद जो भारत की एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस है तो उनके लिए VZ.58 जैसी कई अलग अलग तरह की AK राइफल्स की तरह दिखने वाले वेपन्स को एक स्टैंडर्ड सर्विस राइफल के तौर पर इशू किया गया था। लेकिन इन राइफल्स के साथ एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमारी स्पेशल फोर्सेस जिस तरह के राइफल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रही थी तो उनके अपने ही कुछ ऐसे नुकसान भी थे जो साफ तौर पर दिखाई देते थे। इनमें कई तरह की कमियां भी थी, जैसे कि इन वेपन्स के जो पार्ट्स थे आप उनको एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं कर सकते थे, और जिसका प्रभाव पड़ता था अलग अलग नेचर के मिशंस में। और इसके अलावा इन वेपन सिस्टम्स के बीच समानता की कमी होना भी एक बहुत बड़ा इशू बन रहा था। और फिर इन सारी समस्याओं के समाधान के रूप में एंट्री होती है टैबोर की। टैबोर जो कि इजरायली ओरिजिन की बुलपप डिजाइन वाली असॉल्ट राइफल है, और टैबोर को भारत में सबसे पहले एलीट स्पेशल ऑपरेशन यूनिट SFF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में इंडक्ट किया गया था। हालांकि शुरुआत में इसमें भी कुछ रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन फिर बाद में उन्हें फिक्स भी कर लिया गया था। और फिर उसके बाद शॉर्ट बैरल वाले वर्जन के साथ इन टैबोर राइफल्स को आर्मी की पैरा SF और नेवी की मार्कोस में भी इंडक्ट किया गया। और इसी तरीके से इस राइफल का एक X95 वेरिएंट भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और बाकी के पुलिस फोर्सेस में भी इंडक्ट किए गए। वैसे आपको क्लियर कर देते हैं कि भारत में इस टैबोर राइफल्स के कई अलग अलग वेरिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें टैबोर TAR-21, G-TAR-21, C-TAR-21, STAR-21 और M-TAR-21 या फिर X-95 जैसे वेरिएंट्स भी आते हैं। और अलग अलग मिशन प्रोफाइल्स के आधार पर इन राइफल्स के अलग अलग वर्जन को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें से जो TAR-21 है वो 460 mm के बैरल के साथ आने वाला एक स्टैंडर्ड वर्जन है, वहीं जो G-TAR-21 है तो उसमें T-40 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी लग के आता है, तो बेसिकली ये ग्रेनेडियर वर्जन है। इसके बाद जो तीसरा है C-TAR-21, तो ये इस टैबोर का एक कॉम्पैक्ट मॉडल है, और इसे टैबोर कमांडो भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड टैबोर राइफल का कार्बाइन वाला वेरिएंट है, और इसलिए कार्बाइन पर्पस के लिए इसमें शॉर्ट बैरल दिया गया है। इसके बाद जो चौथा वेरिएंट है STAR-21, तो इसमें बाकी वेरिएंट्स के कंपैरिजन में एक डिटैचेबल बाइपॉड और बेटर एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी के साथ मार्क्समैनशिप को इन्हेंस करने के लिए मैच ग्रेड बैरल को लगाने का फीचर भी मिलता है। और अगर बात करें इसके पांचवें वेरिएंट X95 या M-TAR-21 की, तो इसे माइक्रो टैबोर या फिर टैबोर 2 भी कहा जाता है, और जबकि इसे टैबोर के ओनली ट्रू वेरिएंट के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है। और उसका कारण यह है कि जो बाकी के अदर वर्जन हैं वो स्टैंडर्ड फुल साइज टैबोर राइफल से ही डिराइव्ड हैं, यानी कि उन्हें स्टैंडर्ड टैबोर राइफल के ही कुछ कंपोनेंट्स में बदलाव करके बनाया गया है। लेकिन जो ये X95 या M-TAR-21 है तो ये स्टैंडर्ड टैबोर राइफल के कंपैरिजन में एक बिल्कुल ही अलग बॉडी है। इसमें आपको राउंड 4 आर्म मिलता है, और बाकी के अदर टैबोर वर्जन के कंपैरिजन में इसमें सबसे शॉर्टेस्ट बैरल है, और जबकि ये C-TAR-21 यानी कि कार्बाइन वाले वेरिएंट से भी कहीं ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। इसके डिजाइन में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इसके स्टॉक को मॉडिफाई किया गया है, इसका ट्रिगर गार्ड हो गया, रिसीवर हो गया, हैंड गार्ड हो गया, ये सारी चीजें इनमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे स्टैंडर्ड टैबोर राइफल के कंपैरिजन में। तो इसी वजह से इसे टैबोर 2 का नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही अलग वर्जन है। और मॉडिफिकेशन के बाद भारत में इसका स्थानीय तौर पर भी उत्पादन होता है, जो कि ZITARA के नाम से जाना जाता है। और इस मॉडिफिकेशन से हमें फायदा ये मिला कि अब हम इसमें भारत में ही मैन्युफैक्चर की गई 5.56x30mm के राउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑर्डनेस फैक्ट्री बोर्ड बनाती है। और ये X95 एक सब मशीन गन वाला वेरिएंट है, जबकि बाकी के सभी असॉल्ट राइफल्स वाले वेरिएंट हैं। और जबकि इस टैबोर जैसे बाकी के अदर इजरायली फायरआर्म्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए IWI ने भारत की पंज लॉयड रक्षा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं PLR लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर भी स्थापित किया है। यानी कि जो अडानी की PLR सिस्टम से यही भारत में टैबोर राइफल्स को इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। और जबकि अडानी PLR सिस्टम द्वारा 56x45mm चैम्बर की टैबोर X95 को भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है।
और ये भी भारत के स्पेशल फोर्सेज और बाकी के इधर फोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं। और अब ये राइफल्स मेड इन इंडिया मार्किंग्स के साथ भी आती हैं। और जबकि इस PLR सिस्टम जैसी प्राइवेट कंपनी से पहले इजरायली कंपनी ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ एग्रीमेंट किया था कि हम उनकी इस टेवर X95 को जिटारा के नाम से भारत में प्रोड्यूस करेंगे, और कुछ प्रोटोटाइप्स बनाए भी गए थे, और जबकि इसके कुछ लिमिटेड प्रोडक्शन मॉडल्स अभी भी मौजूद हैं। लेकिन ये प्रोग्राम ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया और फिर बाद में इजरायली कंपनी ने भारत के प्राइवेट सेक्टर के साथ इन वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जॉइंट वेंचर बनाया। तो अभी तक आपने ये जाना कि भारत में टेवर राइफल्स की एंट्री कैसे हुई और इसके कौन कौन से वेरिएंट्स भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं। और अब हम आपको ये बताते हैं कि टेवर भारत के स्पेशल फोर्सेज के सबसे रिलायबल फायर पावर में क्यों आता है। तो ये तो आप सभी समझते ही हैं कि समय के साथ साथ वॉरफेयर के जो सिनेरियो है तो वो भी बदलता हुआ आया है, और अब जो न्यू एज वॉरफेयर है वो अधिकतर इंडोर्स और बहुत ही टाइट और स्मॉल स्पेसेस वाली जगहों तक सीमित है। यानी कि कहने का मतलब ये कि पहले की तरह खुलकर बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है, और समय के साथ साथ टेररिज्म ने भी अपने टैक्टिक्स को चेंज किया है, और अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अधिकतर छुपकर ज़्यादा हमला करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ती है एक ऐसे वेपन की जो साइज में तो कॉम्पैक्ट हो लेकिन उसकी फायर पावर कमाल की हो, और जिसे हमारी फोर्सेस किसी भी जगह पर बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकें। और इन सारी कंडीशंस के लिए जो टेवर असॉल्ट राइफल है ये एक उपयुक्त हथियार निकलकर सामने आती है, क्योंकि इसकी सेम कैटेगरी की बाकी के शॉर्ट बैरल राइफल से कंपैरिजन में छोटी भी है। हालांकि इसमें फुल लेंथ बैरल भी मिलता है पर वो ऑप्शनल है। इसको ऑपरेट करना बेहद आसान है, इसकी फायर पावर जबरदस्त होने के साथ साथ बेहद ही एक्यूरेट भी है, और जबकि चलती हुई गाड़ी से भी यूजर्स एफर्टलेसली इससे शूट कर सकते हैं। और जब बात आती है क्लोज क्वार्टर बैटल सिनेरियो की तो ऐसे स्थिति में टारगेट्स को नॉक डाउन करने के लिए ये एक बहुत ही कमाल का वेपन है। और जो स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें पैराशूटिंग जैसे कई तरह की एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। तो ऐसे में इस राइफल का जो बुलपप कॉन्फ़िगरेशन है तो ये पैराजम जैसी एक्टिविटीज़ में अन्य इक्विपमेंट के साथ इसके फंसने की संभावना को कम कर देता है। और फिर चाहे बात हो कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को ख़त्म करने की, सुअर को हॉरिफाइड करने की, सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की, तो इस टेवर ने इस तरह के हर एक सिनेरियो में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को उनके ऑब्जेक्टिव्स को एक एब्सोल्यूट प्रिसिशन के साथ कंप्लीट करने में पूरी मदद करी है। इसके अलावा टेवर की खास बात यह भी है कि इसमें कम्प्लीटली सील्ड मैकेनिज्म मिलता है, और जिस वजह से कीचड़, धूल, रेत, मिट्टी इन सभी चीज़ों से इससे सुरक्षा मिलती है। यानी कि जो टेवर है अगर आप उसे पानी में भी डुबो दें या फिर मड या फिर सैंड में पूरी तरीके से कवर भी कर दें तो उसके बाद भी एक कम्प्लीटली फायर कर सकती है। बाकी टेवर में भी AK-47 राइफल की तरह ही लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आसान शब्दों में आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जो ये टेवर है तो वो इस लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन सिस्टम की वजह से ही कई थाउजेंड्स ऑफ राउंड्स को फायर कर सकती है बिना किसी खराबी का अनुभव किए बगैर। इसके अलावा इसमें ऐसे और भी कई सारे फीचर्स हैं जो कि इसे स्पेशल फोर्सेज के मिशंस के लिए तो बहुत ही कमाल का वेपन बनाती हैं। जैसे कि टैक्टिकल रिलोड के मामले में इसमें मैगजीन को एक्सचेंज करना बहुत ही आसान है। जो शूटर है वो अपने एक थंब से बड़ी तेजी से इसके मैगजीन को रिलीज कर सकता है और सपोर्ट हैंड के साथ बहुत ही आसानी से न्यू मैगजीन को इंसर्ट कर सकता है। यानी कि रिलोड करने की जो पूरी प्रोसेस है ये बहुत ही एफर्टलेसली होती है। यानी कि इसका फायदा ये है कि जो शूटर है वो टारगेट पर से अपनी नज़र को हटाए बगैर भी इसको रिलोड कर सकता है। इसके अलावा असॉल्ट राइफल्स के मामले में वेपन का सेंटर ऑफ मास बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है, और इसलिए जो टेवर है इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एगोनॉमिक्स के मामले में ये एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी दोनों ही देती है। इस राइफल का जो वजन है वो पीछे की साइड रहता है ताकि यूजर इसे अपने शोल्डर पर प्लेस कर सके, और इस वजह से इसे किसी भी डायरेक्शन में बड़ी आसानी से मैनवर भी किया जा सकता है। जबकि अधिकतर गन्स में ऐसा होता है कि जो वजन होता है वो आगे की साइड ज़्यादा होता है तो इसी वजह से गन को स्विंग कराने में काफ़ी डिफिकल्टी भी आती है, लेकिन टेवर में ऐसा नहीं है। टेवर में जो वजन है वो पीछे की साइड है और इसी वजह से इसे कंट्रोल्ड वन हैंडेड शूटिंग भी पॉसिबल है। बस ऑब्वियसली बात है उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और इस राइफल का जो बुलपप कॉन्फ़िगरेशन है तो वही इसकी खासियत भी है, और यही बुलपप कॉन्फ़िगरेशन इसके ओवरऑल साइज़ और वेट को कम कर देता है। और अगर आप टेवर को कंपेयर करेंगे इसी सेम बैरल साइज़ के बाकी गन से तो टेवर निश्चित रूप से उन सबके ऊपर बढ़त हासिल करेगी। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन से टेवर की फायर पावर में कोई भी असर नहीं पड़ता है, यानी कि वो कम नहीं होती है। यहाँ तक कि कॉन्फ़िगरेशन वेपन की लेंथ को लगभग 25% तक कम कर देता है। और कमाल की बात यह कि अगर आप टेवर में 18.1 इंचेस की लेंथ वाला बैरल भी लगाते हैं तब भी ये 13 इंचेस बैरल के साथ आने वाली M4 से शॉर्ट है। हालांकि टेवर को मुख्य रूप से क्लोज क्वार्टर बैटल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी करीब 658 मीटर्स तक हिट करने का इसका रिकॉर्ड है। और जबकि एक्सटेंडेड रेंज के मामले में इसकी स्पीड में कोई ड्रॉप भी नहीं होता है जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेवर भारत की स्पेशल फोर्सेज की एक स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल कैसे बन गई और ये हमारे स्पेशल फोर्सेज के रिलायबल फायर पावर में भी कैसे आती है। अब बात करते हैं कि 2002 में भारत के स्पेशल फोर्सेज में इंट्रोड्यूस की गई ये टेवर असॉल्ट राइफल क्या आज 2022 में भी वर्थ इट है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर आप वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी समय लगता है और आपके लाइक समय मोटिवेशन देते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। तो अपना कीमती लाइक वीडियो को देना ना भूलें।
और वापस आते हैं वीडियो पर, तो देखिए 2002 के बाद से अभी तक स्मॉल फायर आर्म्स की टेक्नोलॉजी में भी हमें कई तरह का विकास देखने को मिला है। और अब तो भारत में भी शॉर्ट फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास स्मॉल आर्म्स को भारत में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनमें ट्रिपल एस डिफेंस जैसी कंपनीज का नाम आता है। और इसके अलावा इजरायली कंपनी ने स्टेवॉर जैसी राइफल्स को भारत में बनाने के लिए भारत की PLR सिस्टम जैसी कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर भी बनाया है। लेकिन जब बात आती है कि स्पेशल फोर्सेस का हथियार आखिर कैसा होना चाहिए, तो देखिए ये बात तो हर कोई समझ सकता है कि स्पेशल फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक रेगुलर इन्फेंट्री सोल्जर के कंपैरिजन में बहुत अलग होती है, और जो कि मिशन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग समय समय पर बदल भी सकती है। तो अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो स्पेशल फोर्सेस का हथियार सबसे ज्यादा वर्सेटाइल होना चाहिए, वजन में हल्का होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, एक बेहतरीन फायर पावर के साथ बेहद ही एक्यूरेट भी होना चाहिए। और इन सबके अलावा कई अलग तरह के अटैचमेंट्स जैसे कि साइट्स, लेजर इल्यूमिनेटर्स, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, सप्रेसर्स, तो इस तरह के अलग अलग अटैचमेंट्स के साथ कंपेटेबल भी होना चाहिए। और अगर बात करें टेवॉर राइफल के कुछ अल्टरनेटिव्स की जो कि आज के समय में उपलब्ध हैं, तो उनमें हैकलर एंड कोच की HK416 जैसी राइफल आती है, और जिसकी गिनती दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट AR-15 टाइप असॉल्ट राइफल्स में भी होती है, और ये भी दुनिया भर के स्पेशल फोर्सेस में काफी मशहूर है। और इस राइफल की कई खासियतों में से एक खासियत तो ये भी है कि शॉर्ट स्ट्रोक गैस चैम्बर डिजाइन की वजह से ये ठंडी रहती है, और एक स्टैंडर्ड M4 राइफल के कंपैरिजन में इसमें जैमिंग जैसी समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता है। और हाँ, ये कई अलग अलग तरह की एक्सेसरीज के साथ पूरी तरीके से कंपैटिबल है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है AK-15। अब ये बात तो आप सभी मानते होंगे कि जो क्लशनिकोव की राइफल्स हैं, फिर चाहे वो AK-47 हो या फिर बाकी अदर वेरियंट्स, तो क्लशनिकोव की राइफल्स का भी अपना एक अलग फैन बेस है जिसको काफी लोग पसंद करते हैं, और ये भारत के स्पेशल फोर्सेस में भी काफी मशहूर हैं। और इसीलिए जो AK-15 है तो ये क्लशनिकोव फैमिली की सबसे एडवांस वेपन की कैटेगरी में आती है, तो ये भी स्पेशल फोर्सेस के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और जबकि 2021 में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस कुछ लिमिटेड नंबर्स में AK-15 राइफल्स को भी रिसीव करेगी, और ये भी माना जा रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये AK-203 असॉल्ट राइफल्स वाले कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के तौर पर है। लेकिन ये AK-15 राइफल्स के भारत के स्पेशल फोर्सेस को वाकई में दी गई है या नहीं दी गई है, तो उसके रिगार्डिंग कोई और रिपोर्ट देखने को अभी तक नहीं मिली है। और बाकी इन अल्टरनेटिव्स के अलावा स्मॉल आर्म्स की टेक्नोलॉजी में कुछ नए इनोवेशन भी देखने को मिले हैं, और जिसमें से एक है असॉल्ट राइफल्स के लिए 6.8 mm के एम्यूनेशन का इंट्रोडक्शन। और जो ये 6.8 mm का एम्यूनेशन है, तो आप इसे 5.56 और 7.62 mm कार्ट्रिजेस के बीच का ट्रांजिशन कह सकते हैं। जो 5.56 mm है वो ज़्यादा फास्टर है लेकिन एक लाइट राउंड है, लेकिन जो 7.62 mm का राउंड है वो हैवी तो है लेकिन ज़्यादा पावरफुल है। और ऐसे में जो 6.8 mm का एम्यूनेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये 5.56 और 7.62, तो इन दोनों की कैपेबिलिटीज़ के बीच में आता है। और अभी के समय दो प्रोमिनेंट डिजाइंस देखने को मिले हैं जो इस 6.8 mm के राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से एक है सिक्सॉर की XM5 और दूसरी है जनरल डायनेमिक्स की RM227। इसमें से जो RM227 है तो ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का हथियार है, क्योंकि इसका जो एम्यूनेशन है वो पॉलीमर केसिंग को इस्तेमाल करता है बजाय ट्रेडिशनल मेटालिक केसिंग के। तो यहाँ तक हमने देखा कि टेवॉर के कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, पर अब सवाल यह है कि क्या टेवॉर को वाकई में बदलने की जरूरत है। तो देखिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी युद्ध हथियार नहीं बल्कि उस हथियार को चलाने वाला जीतता है। और जब हम बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस की, तो स्पेशल फोर्सेस का सबसे बड़ा हथियार है उनका वो स्पेशल माइंडसेट जो हमें केवल उनमें ही देखने को मिलता है। और जैसे कि कहा गया कि मशीन से ज्यादा मैन मैटर करता है जो उस मशीन के पीछे है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि स्पेशल फोर्सेस कमांडो जितना खतरनाक AKM राइफल के साथ है, तो उतना ही खतरनाक वो किसी भी अदर वेपन के साथ हो सकता है, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस में उन्हीं को चुना जाता है जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट होते हैं। तो इसलिए इसका सीधा सा जवाब बस यही बनता है कि टेवॉर राइफल्स को रिप्लेस करने की कोई खास जरूरत तो है नहीं। बाकी हाँ, भारत सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे जो ट्रूप्स हैं उनको सबसे बेस्ट हथियार ही मिले, ताकि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मिशन को भी आसानी से परफॉर्म कर सकें। और बाकी जैसे कि स्पेशल फोर्सेस को उनकी मिशन प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड वेपन्स की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में जो टेवॉर राइफल है वो अपने वर्सेटाइल नेचर के कारण स्पेशल फोर्सेस के अलग अलग पर्पसेस के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड इशू राइफल के तौर पर टेवॉर के रिप्लेसमेंट की फिलहाल तो कोई जरूरत दिखती है नहीं। बाकी वो बात अलग है कि अगर हमारे कमांडोज के पास अलग अलग वैरायटी के वेपन्स के ऑप्शंस रहते हैं जिसे वो अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर चूज कर सकें, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए फायदे की ही बात है। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।